हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शाही टुकड़े। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इन्हें हम बीच में से ऐसे चौकोर काट लेंगे हम। आप चाहें तो इन्हें तिकोना भी काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इन्हें से चौकोर काट कर तैयार कर रही हूँ। इसी तरीके से हम बाकी सभी स्लाइसेस को भी ऐसे बीच में से काट कर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे ब्रेड स्लाइसेस एकदम कट कर तैयार है। अब हम इन्हें फ्राइंग के लिए ले चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने घी ले लिया है हमारे ब्रेड को फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास घी नहीं है इतना, तो आप तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, पर घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट करेगा। तो हम इसे पहले यहाँ पर घी को गर्म कर लेंगे। देखिए, हमारा घी है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस तैयार करे थे वो हम घी के अंदर डाल देंगे। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम और लो के बीच में रखी है और हम इन्हें गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी जो ब्रेड है वो एक तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें दूसरी साइड के अंदर पलट देंगे हमारी जो ब्रेड है, और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई करके हम इन्हें तैयार कर लेंगे। तो आप इन्हें से दूसरी साइड में पलट दें और कुछ इस तरीके से हमें इन्हें फ्राई करके तैयार करना है हमारी ब्रेड को। और जब ये फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरीके से दोनों साइड से इस तरीके से, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी जो ब्रेड है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। ये देखिए, हमारी सारी ब्रेड है वो अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपनी सारी ब्रेड को अच्छी तरीके से फ्राई करके इन्हें तैयार कर लें। देखिए, हमारी ब्रेड तो एकदम फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई के अंदर हम यहाँ पर 1/2 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और इसे कढ़ाई में हम डाल देंगे। और हम इसे साइड के अंदर हम मीडियम फ्लेम के ऊपर उबलने के लिए हम हमारे दूध को रख देंगे। तो चलिए, जब तक हमारा दूध उबल कर तैयार हो रहा है, हम हमारी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और हम इसे बर्तन के अंदर उसे डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ हमारी चाशनी के लिए। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे जब तक हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरीके से पिघल ना जाए। ये देखिए, हमने जो दूध उबलने के लिए साइड में रखा था वो भी उबलकर एकदम अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं इस दूध के अंदर हम 2 टेबल स्पून में यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, वरना रहने दें। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए ऐसे ऐसे अच्छी तरीके से दूध के अंदर हमारे मिक्स कर देंगे हम। देखिए, हमारा जो मिल्क पाउडर है वो अच्छी तरीके से हमारे दूध में मिक्स हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है एक कटोरी के अंदर और इसे हम दूध में हमारे मिक्स करेंगे। हमारा जो कॉर्नफ्लावर हमने 1 टेबल स्पून लिया था उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जितना दूध डालकर इसका एक मिक्सचर बना लिया है। अब हम इसके अंदर हमारे दूध के अंदर हम डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आपको इसे लगातार हिलाकर इसे एक बार मिक्स करना है। और मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए पकने रखेंगे, तो आप मीडियम फ्लेम पर इसे 7-8 मिनट एक बार इसे पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, हमने जो हमारी चाशनी बनाने के लिए साइड में रखी थी, तो हमारी चीनी है वो अच्छी तरीके से एकदम घुल चुकी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पर 1/2 लेमन कटा हुआ वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, जिससे कि जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो। साथ ही साथ हम इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3-4 इलायची कुटी हुई ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, हमने जिसमें नींबू डाला था उसका काम खत्म हो चुका है। अब हम उसे बाहर निकालेंगे हमारी चाशनी से। तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से चुटकी भर केसर के धागे डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर है तो आप इसके अंदर डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे रहने भी दे सकते हैं डालना। तो हम इसके अंदर केसर डाल के इसे मिला देंगे। अब लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। अभी जो ऑरेंज फूड कलर हमने लिया है वो हमारे चाशनी के अंदर हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिला देंगे। हमारी चाशनी में अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हमारी चाशनी है वो हमने कोई 1 तार या 2 तार की नहीं बनाई है, इतनी बनाई है कि अच्छी तरीके से ये चिपचिपी हो जाए। ये अभी हमारी चाशनी एकदम रेडी है। तो गैस की फ्लेम को तो हम कर देंगे बंद और अब इसे नीचे उतार लेंगे। ये देखिए, हमारी जो रबड़ी है वो एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो गाढ़ी भी हो चुका है हमारा दूध, और अच्छी तरीके से क्रीमी तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी अपनी रबड़ी तैयार कर सकते हैं। अब ये तो रेडी है, तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे एक बार साइड में रख देंगे जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हमारी जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें हम तैयार कर लेते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और हमारी जो ब्रेड हमने फ्राई करी थी वो भी हमने ले ली है और हमारी चाशनी जो हम तैयार की थी वो भी हमने ले ली है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो ब्रेड हमने फ्राई करी थी वो हम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे और उन्हें चारों तरफ से अच्छी तरीके से चाशनी के अंदर हमें हमारी जो ब्रेड को कवर करना है, अच्छी तरीके से डिप कर ले। अब मैं इसे जो हमने प्लेट ली थी हमारी ब्रेड उसके अंदर हम वापस डाल देंगे चाशनी में कवर करने के बाद। इसी तरीके से हम हमारी जितनी भी ब्रेड है उन अच्छी तरीके से चाशनी के अंदर हम कवर कर लेंगे। ये देखिए हमने जो हमारी ब्रेड को अच्छी तरीके से चाशनी के अंदर कवर कर लिया था, अब मैंने उन्हें इस तरीके से हमारी प्लेट के अंदर सजा लिया है। इसी तरीके से आप भी इसमें रख सकते हैं। अब हमारी जो बची हुई चाशनी है वो हमें इन ब्रेड के अंदर हम ऊपर से डाल देंगे जिससे कि अच्छी तरीके से वो भी मॉइस्ट हो जाए, तो आप बची हुई चाशनी को ब्रेड पर डाल दें। ये देखिए हमने जो हमारी बची हुई चाशनी इसे ब्रेड पर डाल दी थी और ये अच्छी तरीके से इन्हें सोख लेगी तो और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने थोड़े काजू बादाम लिए हैं और इन्हें बारीक काट कर तैयार कर लिए हैं और वो हम हमारे जो ब्रेड है उनके ऊपर हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आप उन्हें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से कवर कर दें। ये देखिए हमारी जो रबड़ी है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद में कितनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है और कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है। अब हम इन्हें हमारे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। तो अब हम इनके ऊपर हमने जो रबड़ी तैयार करी थी वो इन पर डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से हमें कवर करना है। तो अब मैं इसके ऊपर जितनी भी हमने रबड़ी बनाई है वो सारी इसके ऊपर डालूंगी और इन्हें हमें चारों तरफ से आप कवर करके तैयार कर लें। देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से रबड़ी से कवर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर घी डाल रही हूँ, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ घी डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी केसर ली है, उसे दूध में मिक्स कर लिया था और ऐसे मिक्सचर हमने तैयार कर लिया इसका और इसे भी हम हमारे शाही टुकड़े हैं उसके ऊपर डाल देंगे। तो आप चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फैला दें। अब लास्ट में हमारे जो शाही टुकड़े हैं उसके ऊपर मैंने यहाँ पर थोड़े ड्राई फ्रूट काट कर हमें तैयार किए थे वो और हम इस पर डाल देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं और अपना शाही टुकड़े को तैयार कर सकते हैं सजाकर। देखिए हम इसके ऊपर डाल के हमने इसे तैयार कर लिया है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा आपको कट करके दिखाती हूँ हमारे शाही टुकड़े हैं उनको और एकदम ये अच्छी तरीके से इसमें जो सोख लिया है हमारी जो चाशनी और हमने जो रबड़ी बनाई थी उसे अच्छी तरीके से इसने सोख लिया है और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं घर पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।